आज की वीडियो में बात होने वाली है कि आखिर हिजाब क्या होता है, जिस पर कर्नाटक में इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, और बुर्का और नकाब में क्या डिफरेंस होता है, और जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनको बुर्का या नकाब पहनना क्यों जरूरी होता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कर्नाटक में कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर एंट्री बैन करने का मामला खबरों में है। ऐसे में जानते हैं कि हिजाब क्या है और इसका आखिर मकसद क्या होता है। कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, और अब तो पूरा मामला कोर्ट में है, और इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया है इसकी अब सियासत भी होने लगी है। दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए और हिजाब की अहमियत को बताने के लिए 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस भी मना डाला था। और यह सब होने के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन भी कर रही हैं। इन कॉलेजों में महिलाओं को हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी जा रही है। उन कॉलेजों में हिजाब पहने हुए लड़कियों को अलग बिठाया जा रहा है और उनको अलग तालीम दी जा रही है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हिजाब क्या होता है और यह नकाब से कैसे अलग होता है। तो हिजाब का मतलब पर्दे से होता है, और बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से होता है। वही हिजाब में बालों को पूरी तरीके से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से। हिजाब से महिलाएं सिर्फ बालों को ही नहीं ढकती हैं, किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर या गर्दन ढके होना ही असल में हिजाब कहलाता है। अब बात आती है कि अगर हिजाब ये होता है तो फिर बुर्का और नकाब क्या होता है। तो बुर्का एक चोली की तरह होता है जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका जाता है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के साथ साथ आंखों पर भी पर्दा किया जा सकता है। इसके लिए आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा लगा होता है जिससे कि महिला बाहर को देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखाई देता है। और कई देशों में बुर्का और नकाब को अबाया भी कहा जाता है। अब बात आती है नकाब की। दोस्तों, नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा भी नजर आता है, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती हैं, हालांकि चेहरे पर यह बांधा होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरा विवाद आखिर क्या है। दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज में शुरू हुआ था, जब एक कॉलेज में क्लास के भीतर हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया गया। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया और कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता है, यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा गमछे या शॉल पहनने शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। यह विवाद कई और दूसरे कॉलेजों में शुरू हो गया। हाल ही में कुछ कॉलेजों में छुट्टी करके इसका ऐलान भी कर दिया गया है। जब तक हाईकोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करी जाएगी या इसको मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइए क्या स्कूल में हिजाब पहनना जरूरी है या नहीं, और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।